के बारे में आज मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी ये जो OSK रोड है, इस रोड का काम शुरू किया था कि इसको अपग्रेड करना है, लेकिन 6-7 महीने से इस रोड को इग्नोर किया गया है। इसका अब तक कोई मसला हल नहीं किया, तो रास्ते में इतने खड्डे हैं कि जरा आप समझ लो कि खड्डों में सड़कें, बच्चे स्कूल से आते हैं बहुत परेशानी होती है, सियाने बुजुर्ग जो आते जाते हैं उनको परेशानी होती है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन की जाए और इस रोड को जल्दी से जल्दी ऑपरेट को दुरुस्त किया जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बाकी कठुआ के रोड जितनी भी सड़कें हैं तकरीबन सारी सड़कें ठीक हो गई हैं, सब नहीं बन गई हैं, लेकिन डेलीबरेटली इस रोड को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस रोड को जल्दी जल्दी ठीक की जाए और ताकि लोगों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। आप देख रहे हैं कि सड़क की जो हालत है, कितने खड्डे हैं कि पानी में गड्ढे भी लेते हैं, कई गाड़ियाँ तो इतनी तेज़ आती है बेचारी उनको पता नहीं होता कि जहाँ पर खड्डा है गड्ढे पड़ जाती हैं और लोगों को इसमें आने जाने की बहुत सारी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो मुझे समझ नहीं कि सरकार ये सोई हुई सरकार है, इसको जगाने के लिए आज मीडिया तक हमें अप्रोच करनी पड़ी। तो मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूँगा कि इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके।